नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24 7 लाइव टीवी। रुक करते हैं स्वागत की अहम खबरों का। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनुज भरत की तपोस्थली भरत कुंड पर नंदीग्राम महोत्सव का हुआ आगाज। 3 दिवसीय नंदीग्राम महोत्सव का शुभारंभ पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी एवं महंत कमल नयन दास बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत से पहले हवन पूजन के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण की धुनी में आयोजन प्रारंभ हुआ। 3 दिवसीय चलने वाले नंदीग्राम महोत्सव के पहले 3 जहां एक ओर पारंपरिक व सनातनी मंत्रोच्चारण के साथ मणिराम दास छावनी के तत्वाधान में महोत्सव का प्रारंभ किया गया, तो वहीं दूसरी ओर शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन करके महोत्सव में रंगोलियां बिखेरने का प्रयास हुआ। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महान कमल नयन दास से बताया कि नंदीग्राम वह स्थल है जहां भरत जी ने 14 वर्ष तक तपस्या की थी। राजा तपस्वी त्यागी तो प्रजा सुखी होती है, राजा भोगी होता है तो प्रजा दुखी होती है। वही बताया हमारा लक्ष्य है भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र, भरत जी के आदर्श चरित्र को जन जन तक पहुँचाना का कार्य है। जब भी अयोध्या श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं तो उसे अयोध्या के साथ साथ नंदीग्राम आना पड़ता है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा नंदीग्राम की उपेक्षा होती रहती है। बाहर से श्रद्धालु आते हैं नंदीग्राम में, आज तक कोई व्यवस्था नहीं है कि महंत कमल नयन दास ने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से हमारा प्रयास है कि हम नंदीग्राम का विकास करेंगे, जिसको लेकर हमने कई बार मुख्यमंत्री से बात की और हम भी इसके प्रयास में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें वचन दिया है सब प्रकार से नंदीग्राम का विकास होगा। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन के कारण विलंब तो जरूर हुई है, मगर स्थानीय स्तर पर कवि सम्मेलन का आयोजन कर कार्यक्रम की भव्यता को बनाए के लिए आयोजन द्वारा भरपूर प्रयास किया गया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। नंदीग्राम ये वही स्थल है जहाँ पर प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज ने भाई के वियोग में 14 वर्षों तक गोमूत्र में पकाया हुआ यो का अन्न खा करके ही तपस्या किया था। राजा तपस्वी होता है, राजा त्यागी होता है तो प्रजा सुखी होती है, राजा भोगी होता है तो प्रजा दुखी होती है। हमारा लक्ष्य है भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र, प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज के आदर्श चरित्र को जन जन तक पहुंचाना। जिस प्रकार से आज विघटनकारी शक्तियां प्रभावी होती चली जा रही हैं, जहां भी हिंदू रहता है, जब भी अयोध्या तीर्थ यात्रा करने के लिए आता है तो अयोध्या के साथ साथ उसे नंदीग्राम आना पड़ता है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के द्वारा सब प्रकार से नंदीग्राम की उपेक्षा होती रही। कोई भी बाहर से यात्री आता है, अगर रुकना भी चाहे तो कहीं भी कोई व्यवस्था नंदीग्राम में आज तक नहीं की गई। हमारा प्रयास है पर्यटन की दृष्टि से हम नंदीग्राम का विकास करेंगे। इसके लिए हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, औरों से भी बात किया है और हम भी इसके लिए प्रयास में लगे हुए हैं। तो नंदीग्राम को ये कहा जाए कि पर्यटन की दृष्टि से इसको अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी? कहा नहीं जाए, होगा, ऐसा किया जाएगा, वचन दिया है हमें, मुख्यमंत्री ने भी वचन दिया है और लोगों ने भी वचन दिया है, सब प्रकार से इसका विकास होगा।